डिग्री कॉलेज हमीरपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय की मुख्य मांगों को लेकर हमीरपुर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थी परिषद ने मुख्य मांगों में कहा कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षक तथा गैर शिक्षक पदों की नियमित भर्ती की जाए, भारी भरकम वसूली जा रही फीस को कम किया जाए। अन्य कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अनिल ठाकुर ने कहा कि सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई उग्र आंदोलन करेगी। विद्यार्थी परिषद इकाई के अनिल ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय की मुख्य मांगों को लेकर हमीरपुर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे यही हैं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षक तथा गैर शिक्षक पदों की नियमित भर्ती की जाए, भारी भरकम वसूली जा रही फीस को कम किया जाए तथा छात्रों के लिए सब्सिडाइज तथा नॉन सब्सिडाइज सीटें उपलब्ध करवाई जाएं। अनिल ठाकुर ने कहा कि सरकार विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को नहीं मानती है तो जिला भर में व प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर के द्वारा सभी एसडीएम के माध्यम से तकनीकी विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने तकनीकी विश्वविद्यालय की मांगों के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, लेकिन अभी तक जो है प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर सुविधाएं देने में नाकाम रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद जो है तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर, तकनीकी विश्वविद्यालय 2011 से चल रहा है, लेकिन तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर नियमित रूप से शिक्षक तथा गैर शिक्षक पदों को जो है सरकार अभी तक नहीं भर पाई है। इसमें विद्यार्थी परिषद की एक मांग यह भी है कि तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर जो भारी भरकम फीस जो है वहाँ के छात्रों से लूटी जा रही है उसको कम किया जाए तथा इसके साथ वहाँ पे जो है नॉन सब्सिडाइज तथा सब्सिडाइज सीटों की जो है व्यवस्था की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन मांगों को लेकर 13 फरवरी से जिला के अंदर आंदोलन कर रही है और आज इसी कड़ी में आपने सभी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर फिर भी विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को जो है प्रदेश सरकार ध्यान में नहीं लाती है या इन पे सुनवाई नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद अभी जिले का एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उसके बाद जो है 15-16 दिन उसके बाद जो है प्रदेश सरकार को देगी और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में तकनीकी विश्वविद्यालय की जो मांगों की लड़ाई है वो विद्यार्थी परिषद लड़ेगी।